हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड में इंडिया का क्या स्टेटस है बायोडाइवर्सिटी के टर्म में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? सो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो, दैट इज ए शॉर्ट टर्म एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी इन शॉर्ट में लिखा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर आपसे कोई जनरल डेफिनेशन पूछा जाए तो बायोडाइवर्सिटी मीन द वेराइटी ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शंस। सो जो भी प्लांट्स एनिमल्स की जितनी भी वेराइटी है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लाइक प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, फंगल स्पीसीज, एल्गल स्पीसीज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। अगर हम किसी एरिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो नंबर ऑफ दीज स्पीसीज इन इंडिया, और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो इन वर्ल्ड। सो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने दिया? सो दिस टर्म इज गिवन बाय द वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन ने दिया था 1985 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस टर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गर टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच थॉमस लवजॉय इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक कम्युनिटी इन ए बुक 1980। सो 1980 में थॉमस लवजॉय ने एक पब्लिकेशन हुआ था, उसी बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज लिया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, इन 1980 एंड द बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड टर्म बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय द वाल्टर जी रोजेन इन 1985। थोड़ा देखना, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया है? रोजेन ने। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेसिकली यही टर्म सबसे पहले यूज में लिया गया था 1980 में, किसके द्वारा? थॉमस लवजॉय के द्वारा। द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी दैट डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? डीएनए, सेल लाइक टिश्यू, ऑर्गन, ऐसे करके जो भी हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको डिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू द एडवर्ड विल्सन। विल्सन हैज ऑल्सो डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी एज ए वेरी स्टेप ऑफ लाइफ। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन किया? ए वेरी स्टेप ऑफ लाइफ। तो ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में बेसिक है कि डेफिनेशन क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म को सबसे पहले किसने यूज लिया, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड एक होता है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स में क्या आता है? बेसिकली ब्रॉड दो कैटेगरी होती है, तीन कैटेगरी होती है, एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसी डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जीन लेवल पे जो वेरिएबिलिटी होती है, तो वेराइटी होती है, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोलफिलिया वोमिटोरिया ग्रोन इन डिफरेंट हिमालयन रीजन माइट बी इन टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेजरपाइन दैट प्लांट प्रोड्यूस। सो हिमालयन रेंज में ये जो प्लांट है वो अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं, तो उनमें अलग अलग रीजन में इसमें कंसंट्रेशन और इनकी जो
एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसकी जो पोटेंसी होती है वो अलग अलग वेरिएबल होती है, तो यही वेरिएबिलिटी है और इसमें यही जीन लेवल पे वेरिएबिलिटी है। उस देन आफ्टर द स्पीसीज डाइवर्सिटी, सो स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है दैट इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी। लाइक द वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक ही स्पीसीज के अलग अलग वेरिएशन, सो दैट इज द स्पीसी डाइवर्सिटी। देन आफ्टर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो इकोसिस्टम लेवल पे जो डाइवर्सिटी में वेरिएशन होता है दैट इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लाइक रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, इस्चुरीज, एल्पाइन मीडियो, दीज आर इंक्लूडेड इन द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमने डिस्कस किया है कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसी डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हम डिस्कस करेंगे मीजर्स और मीजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि टाइप कौन से होते हैं, मीजर्स कौन से होते हैं। तो मीजर्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ब्रॉड कैटेगरी में। फर्स्ट वन है द स्पीसीज रिचनेस एंड द सेकेंड वन है स्पीसीज इवननेस। ओके, तो स्पीसीज रिचनेस है वो तीन कैटेगरी में है, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो बेसिकली हम कई बुक्स में डायरेक्ट पढ़ते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन वो सब पॉइंट होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी टू होती है स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। तो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसने दिए थे, व्हिटेकर ने, याद रखना, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। रिचनेस का मतलब क्या होता है, द स्पीसीज रिचनेस मीन्स मेजर ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन पर यूनिट एरिया ऑफ ए रीजन और कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज के कितने नंबर हैं, दैट इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। इट हैज थ्री कंपोनेंट, अल्फा डाइवर्सिटी, ओके, व्हेन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, ओके, दैट इज अल्फा। यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि द स्मॉल एरिया, थ्री एरिया यहाँ पे, एरिया वन, एरिया टू और एरिया थ्री, तो इंडिविजुअल एरिया में जो स्पीसीज है दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी मींस इट इज ए कंपेरिजन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन टू एंड मोर इकोसिस्टम। जब दो इकोसिस्टम के बीच की बात की जाती है तब आती है बीटा डाइवर्सिटी। सपोज करो ये एक नंबर एरिया, ये दो नंबर एरिया, इन दोनों के बीच में है, दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी इट इज टोटल डाइवर्सिटी ऑफ ए इकोसिस्टम और डिफरेंट इकोसिस्टम। सो जब इन तीनों की जो मिक्स डाइवर्सिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गामा डाइवर्सिटी। सो स्पीसीज रिचनेस है थ्री कंपोनेंट, अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। देन आफ्टर स्पीसीज इवननेस, सो इट इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन रीजन। सो एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अबंडेंस है, ये स्पीसीज इवननेस के टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। लो इवननेस इन जनरल टर्म मीन होता है फ्यू स्पीसीज डोमिनेंट द रीजन और इकोसिस्टम। लो इवननेस मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में एक स्पीसीज की बहुत कम नंबर्स हैं, स्पीसीज हैं। सो दीज आर द मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका मीनिंग है कि हाउ द बायोडाइवर्सिटी चेंजिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे फर्स्ट है लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लेटिट्यूड मीन्स जो अर्थ होती है इसमें इक्वेटर से, व्हेन वी गो टुवर्ड द पोल, फ्रॉम इक्वेटर से हम अगर पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है। सो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके, सो अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है, दैट इज अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन। इन मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट दे आर इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बींग इज लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन द डाइवर्सिटी। इन जनरल द स्पीसी डाइवर्सिटी डिक्रीज वेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जनरल, ये जनरल है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि हम इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, इसका मतलब ये होती है कि इक्वेटोरियल रीजन में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, विथ फ्यू एक्सेप्शन। इस जो ऊपर मैंने लाइन बोली है इसका ये एक्सेप्शन है कि द ट्रॉपिक्स जो लेटिट्यूड रेंज है
23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, दैट हैविंग मोर स्पीसीज देन दैट टेम्परेट और पोलर रीजन। सो ये जो लेटिट्यूडनल रीजन है इसके बीच में है वो मैक्सिमम है, और वी कैन से हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कोलंबिया लोकेटेड नियर इक्वेटर, ओके, तो जो भी कंट्रीज हैं वो इक्वेटर के पास में होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। सो कोलंबिया लोकेटेड नियर इक्वेटर नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड, वाइल न्यूयॉर्क इज 40 डिग्री नॉर्थ हैज 105 स्पीसीज एंड ग्रीनलैंड है वो 71 डिग्री नॉर्थ हैविंग 56। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेटर पे सपोज करो ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे लोकेटेड है, 0 से हम 41 डिग्री नॉर्थ में गए, फिर हम ऑलमोस्ट 71 डिग्री नॉर्थ में गए। तो यहाँ पे देख सकते हो 14 से कितना हो गया स्पीसीज, 105, और 105 से हो गया 56 स्पीसीज। तो यही लेटिट्यूडनल पैटर्न है वो बायोडाइवर्सिटी का। सो इंडिया विथ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लेटिट्यूड हैविंग मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। द फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक एक्वाडोर हैज 10 टाइम्स मोर स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज द फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। तो कुल मिला के इसका कंक्लूजन यही है कि द रीजन और कंट्रीज दैट आर नियर टू इक्वेटर हैविंग हायर बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। नाउ द सेकेंड फैक्टर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स। तो बायोडाइवर्सिटी है वो स्पीसीज और एरिया इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। सो एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व ए रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड। सो ही फाउंड दैट द स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। कि एक लिमिट तक अगर हम जो भी एरिया एक्सप्लोर करते हैं उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, कुल मिला के है कि अगर हम एरिया है एक पर्टिकुलर एरिया को और एक्सप्लोर करते हैं तो वहां पे स्पीसीज मोर स्पीसीज प्रेजेंस की संभावना होती है, इसीलिए वो स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ जाती है। इन जनरल द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा लाइक एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड्स बेट फ्रेश वाटर फिशेज टर्न टू आउट ए रेक्टा एंगुलर हाइपरबोला। सो ये ग्राफ में आप देख सकते हो कि एक जनरल रिलेशनशिप क्या होता है, एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड। सो ये एक हाइपरबोला इक्वेशन बनती है अगर स्पीसीज रिचनेस और एरिया में के अंदर अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो। अगर इसी ग्राफ को हम लोगारिथमिक स्केल पे बात करते हैं, मतलब अगर हम इसको लोग बोथ साइड में अगर इसको हम लोग से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इक्वेशन इज टर्न आउट इनटू लाइक दिस, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ओके, सो या हियर द एस मींस द स्पीसीज रिचनेस, एस रिप्रेजेंट द स्पीसीज रिचनेस, ए इज द एरिया एक्सप्लोर्ड एरिया एंड जेड इज द स्लोप ऑफ लाइन दैट इज आल्सो नोन रिग्रेशन कोफिशियंट। ओके, सो इन जनरल जो वैल्यू होती है जेड की वो कितनी होती है, 0.1 से 0.2 होती है। लेकिन अगर हम एक लार्ज एरिया एक पूरी कंट्री की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 0.06 से 1.2 के बीच में भी वेरी कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट है, यूजीसी में कई बार इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी स्टेटस ऑफ इंडिया, कितना परसेंट एरिया है, क्या रैंक है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एज वी नो इंडिया इज वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। सो हाउ मच लैंड एरिया, इंडिया हैविंग 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया एंड हैविंग 7 to 8% बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ओके, दैट जनरली इंक्लूड, सो इंडिया का वर्ल्ड में एरिया कितना है, 2.4%, बायोडाइवर्सिटी कितना परसेंट है वर्ल्ड का, 7 to 8%,
ये जो 7 to 8% होता है जिसमें लगभग 45,000 स्पीसीज हैं वो किसकी हैं, प्लांट्स की हैं, और 91,000 स्पीसीज किसकी हैं, एनिमल्स की है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो इन द वर्ल्ड देर आर 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कितने हॉटस्पॉट हैं, 36, आउट ऑफ 4 आर प्रेजेंट इन इंडिया। सो इंडिया में 4 कौन कौन से हैं, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट श्रीलंका एंड सुंडा लैंड। दीज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर प्रेजेंट इन द इंडिया। नाउ द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। सो अगर हम ग्लोबल टर्म में देखते हैं तो इन इंडिया द फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स क्या होता है, प्लांट्स, एंड फोना मीन्स एनिमल। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। फ्लोरा मीन्स प्लांट, जो फ्लोरिंग फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, फ्लोर्स आते हैं प्लांट, एंड फोना इज एनिमल्स। सो अगर हम इंडिविजुअल बात करते हैं कि इंडिया में ग्लोबल कितना फ्लोरा प्रेजेंट होता है, 11.2%, याद रखना। टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 7 to 8%। अगर हम अकेले प्लांट्स की बात करते हैं तो कितनी है, 11.2%, और अकेले हम एनिमल्स की बात करते हैं तो कितनी है, 6.7%। इनकी स्पीसीज कितनी है, 2040 में लगभग 43,830 थी, जो बढ़ के 2018 में कितना हो गया, 47,485। ओके, एंड आउट ऑफ विच 28.2% प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में इंडिया में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं फोना की, तो फोना की जो है वो 2014 से इंक्रीज होके इनका लगभग 99,000 से बढ़कर इनकी है वो नंबर है, वो 1 लाख को क्रॉस कर गया है इन 2018 में। अगर हम एंडेमिक स्पीसीज की बात करते हैं तो लगभग 28.7% है वो एनिमल स्पीसीज आर एंडेमिक इन इंडिया। सो नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर हम ग्लोबल मैप पे देखते हैं तो इंडिया इज सिचुएटेड एट ए ट्राई जंक्शन ऑफ एफ्रोट्रॉपिकल, इंडो मलयन एंड प्लिए आर्कटिक रिलम्स। ये सो 3 रिलम्स हैं, इनके जॉइंट में बीच में है वो ट्राई जंक्शन पे इंडिया लोकेटेड है। दैट वाई इंडिया हैविंग द मोर बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हो, दिस इज द नी आर्कटिक, ओशियनियन, नियो ट्रॉपिकल, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलियन, एफ्रोट्रॉपिकल, इंडो मलयालयन एंड पैल आर्कटिक। सो दीज 3 रिलम्स। तो इंडिया कहाँ पे प्रेजेंट है, इन तीनों का जो ट्राइंगल है उनके बीच में प्रेजेंट है। दैट्स वाई इंडिया हैविंग द रिच बायोडाइवर्सिटी। सो इंडिया इज अमंग 17 मेगा डाइवर्स डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, एंड इंडिया हैविंग द 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। अगर एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड में कितने मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, 17। इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, 10। अब हम बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग की, तो मेगा डाइवर्सिटी के टर्म में इंडिया की रैंक है वो वर्ल्ड में 8th रैंक है। अगर डाइवर्सिटी के टर्म में बात करते हैं कि वर्ल्ड में 8वीं रैंक है, और अगर हम एशिया में बात करते हैं तो इंडिया की कौन सी रैंक है, 4th रैंक। मेनली द एशियन कंट्रीज आर मोर डाइवर्सिफाइड, मोर रिच इन द बायोडाइवर्सिटी। इंडिया ऑल्सो होम ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, रैंकिंग फर्स्ट अमंग 12 रीजन्स ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। ओके, तो हम उन कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे, 12 कंट्रीज की बात करते हैं जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिटी हाई है, क्रॉप प्लांट जो हम एग्रीकल्चर करते हैं उनकी बात करें तो उनमें इंडिया फर्स्ट रैंक है
ठीक है। और एग्रीकल्चर क्रॉप स्पीसीज की बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, तो उनमें इंडिया की पोजीशन कौन कौन सी है? सेवंथ पोजीशन है। अगर हम ग्लोबली अगर इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट की, ओरिजिन के कितने क्रॉप्स हैं प्लांट्स हैं वो इंडिया में ओरिजिन हुए हैं, उनकी डाइवर्सिटी की बारे बात करते हैं, तो उसमें इंडिया की कौन सी पोजीशन है? एट पोजीशन है। तो इंडिया हैविंग मोर देन 300 वाइल्ड एनसेस्टर एंड क्लोज रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रोइंग एंड नेचुरली। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ रैंकिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंडिया रिलेटेड टू देयर डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी, ए नंबर ऑफ देयर एग्रीकल्चरल स्पीसीज। ओके, सो इन इंडिया देर आर 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे आपको याद रखना है ये एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, न कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? 36। इनमें से इंडिया में कितने हैं? 4। एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं इंडिया में? 22। 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर आइडेंटिफाइड इन द इंडिया। अराउंड 9,500 प्लांट स्पीसीज आर यूज एज ए मेडिसिन इन द इन इंडिजिनियस हेल्थ प्रैक्टिसेस। सो 9,500 इंडिजिनियस प्लांट स्पीसीज है वो एज ए मेडिसिन पर्पज यूज में ले जाते हैं। लोकल एंड इंडिजिनियस पीपुल यूज मोर देन 3,900 प्लांट स्पीसीज एज फूड, फोडर, फाइबर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, गम, रेजिन, डाई, परफ्यूम एंड टिम्बर पर्पज। तो ऑलमोस्ट 3,900 प्लांट स्पीसीज है वो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज में लिया जाता है। सो इंडिया इज ऑल्सो रिच इन द फोना एंड नियरली 62% ऑफ रिकॉर्डेड एम्फीबियन स्पीसीज आर एंडेमिक टू द इंडिया। सो जितनी भी एम्फीबियन स्पीसीज इंडिया में है उसकी 62% है वो एंडेमिक है, विच इज मेनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वो एम्फीबियन स्पीसीज में उसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया हार्बर्स लार्ज नंबर ऑफ लाइकेन स्पीसीज। कितनी लाइकेन स्पीसीज? एटलीस्ट 2,300 स्पीसीज ऑफ लाइकेन, मोर देन 200 डायटम स्पीसीज, 90 डाइनोफ्लेजिलेट स्पीसीज, 844 मैराइन एल्गी एंड 39 मैंग्रोव स्पीसीज आर फाउंड इन द इंडिया। सो ऑलमोस्ट 4,045 स्पीसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट आर एंडेमिक इन इंडिया। एंडेमिक का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पाई जाती हैं। सो कितनी फ्लोरिंग प्लांट की स्पीसीज एंडेमिक है? 4,045। अगर हम एंडेमिज्म की बात करते हैं वर्टिब्रेट्स ग्रुप में, सो वर्टिब्रेट्स में तो अगर ग्लोबल इंडिया की रैंकिंग देखते हैं तो बर्ड के केस में इंडिया में 10th रैंक है, वर्ल्ड में इंडिया की 10th रैंक है बर्ड के टर्म में। लगभग 69 स्पीसीज आर प्रेजेंट एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 13.66% ऑफ द वर्ल्ड। अगर रेप्टाइल के केस में देखते हैं तो इंडिया की कौन सी पोजीशन है? 5th पोजीशन। इंडिया में 156 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स प्रेजेंट एंड द ग्लोबल शेयर इज 7.91। अगर हम एम्फीबियन की बात करते हैं तो एम्फीबियन में इंडिया की रैंकिंग है 7th रैंकिंग विथ 110 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस प्रेजेंट इन द इंडिया एंड द ग्लोबल शेयर इज 4.66। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्पीसीज के टर्म में कि इंडिया की क्या क्या, इंडिया का क्या शेयर है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर हम मेमल्स की बात करते हैं तो 8.58% है वो मेमल्स स्पीसीज आर प्रेजेंट इन द इंडिया। एवियन स्पीसीज की बात करते हैं तो 13.66% एवियन यानी बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो 7.91 है वो रेप्टाइल स्पीसीज प्रेजेंट इन द इंडिया। अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो कितनी स्पीसीज हैं? 4.66 एम्फीबियन स्पीसीज। फिशेज की बात करते हैं तो कितनी है? 11.72 स्पीसीज परसेंट से स्पीसीज ऑफ फिशेज प्रेजेंट इन द इंडिया एंड 11.8% प्लांट स्पीसीज।
वर्ल्ड प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट इन द इंडिया, तो डिफरेंट जो स्पीशीज है उनका इंडिया में कितना शेयर प्रेजेंट है वो इस यहाँ पे शो किया गया, डिपिक्ट किया गया है। तो नंबर ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट एंड इंडिया स्पीशीज प्रेजेंट इन द इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट से लिया गया, 2013 के डेटा है ये। अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो इंडिया में कितनी स्पीशीज हैं, 7,244 एल्गी स्पीशीज प्रेजेंट हैं। ब्रायोफाइट्स की कितनी है, 20 अराउंड 2,500। टेरिडोफाइट्स की है 1,200। जिम्नोस्पर्म की 74। एंजियोस्पर्म की है कितनी स्पीशीज, 17,926। सो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, 29,015 स्पीशीज अराउंड इंडिया में प्रेजेंट है। अगर हम उसका वर्ल्ड में कितनी है, इनके पैरेलल आप वर्ल्ड में भी देख सकते हो कि कितनी स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है। इंडिया में 7,244 है, तो वर्ल्ड में है 40,800। तो इसका ग्लोबल शेयर इंडिया में कितना हो गया, 17.75। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशीज का कितना परसेंट शेयर है वो इंडिया में प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिकेटेड बायोडाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 15। सो इंडिया इज वन ऑफ द 8 वेविलोम सेंटर ऑफ ओरिजन। तो वेविलोम है वो सेंटर ऑफ ओरिजन का क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें 8 कैटेगरी थी, तो इस 8 कैटेगरी में इंडिया भी वन ऑफ द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इन द वर्ल्ड इंक्लूड किया गया है। सो इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल्स की कितनी स्पीशीज हैं उनके टर्म में इंडिया की कौन सी रैंक है वर्ल्ड में, 7th रैंक। द नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग क्लासिफाइड द 20 ब्रॉड एग्रो इकोलॉजिकल जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20। तो हम अगर बात करें कि इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितनी है, 15। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं, जो एनबीएसएस एलयूपी ने दिए हैं, 20, जिनको बेसिकली नेचुरल जो फीचर्स क्या हैं पर्टिकुलर एरिया के और कौन कौन सी क्रॉप हम किस किस पीरियड में ग्रो कर सकते हैं उसके बेसिस पे वो एग्रो इकोलॉजिकल जोन को क्लासिफाई किया गया है। सो इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए प्राइमरी सेंटर ओरिजन ऑफ द राइस। सो राइस का ओरिजन मेनली कहाँ पे हुआ है, इंडिया में। ए टोटल नंबर ऑफ 811 कल्टिवेटेड प्लांट एंड 902 ऑफ देयर वाइल्ड रिलेटिव हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन इंडिया टिल नाउ। इन इंडिया कल्टिवेटेड प्लांट के 811 और उनके वाइल्ड रिलेटिव है 902 वाइल्ड रिलेटिव को अभी तक डॉक्यूमेंटेशन किया जा चुका है। सो इंडिया ऑल्सो हैविंग द रिच रिपोजिटरी ऑफ द एनिमल्स, फार्म एनिमल्स। ओके, अगर हम फार्म एनिमल्स की बात करते हैं, तो अगर नेटिव ब्रीड की बात करते हैं कि जो लोकल ओरिजिनेटेड ब्रीड की बात करते हैं, तो केटल्स की 34 ब्रीड, बफेलो की 12, गोट की 21, शिप की 39 और चिकन की 15 नेटिव ब्रीड्स हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कितने पर्टिकुलर क्रॉप के कितने कल्टिवेटेड प्लांट हैं नंबर और कितने उनके वाइल्ड रिलेटिव हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं, तो कल्टिवेटेड प्लांट्स कितने हैं, 15 सीरियल्स हैं, उनके वाइल्ड रिलेटिव कितने डॉक्यूमेंटेड हैं, 37। मिलेट्स के केस में 13 और वाइल्ड रिलेटिव है 33। तो इस प्रकार पूरी लिस्ट है, जो आप वीडियो को पॉज करके पूरी लिस्ट को यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कितने कल्टिवेटेड प्लांट हैं, कितने उनके वाइल्ड रिलेटिव हैं। अगर हम इस पूरी लिस्ट को देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट कल्टिवेटेड प्लांट किस कैटेगरी में है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, और सबसे ज्यादा वाइल्ड रिलेटिव किसके हैं, अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं, तो फ्रूट और नट्स के केस में सबसे ज्यादा वाइल्ड रिलेटिव पाए जाते हैं। अगर हम टोटल बात करते हैं, जो कि हम पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल कल्टिवेटेड प्लांट कितने हैं, 811, और उनके वाइल्ड रिलेटिव कितने हैं, 902।
इम्पोर्टेंट टेबल है जिसको आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो वन बाय वन कि हर कैटेगरी में कितने कल्टीवेटेड प्लांट हैं और कितने वाइल्ड रिलेटिव हैं। सो इंडिया में नाउ द इंडिया हैविंग द 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स विच आर सब क्लासिफाइड इनटू 27 प्रोविंसेस। हाउ मेनी रीलम्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? देर आर टू रीलम्स, पहली आर्कटिक रीलम, द हिमालयन रीजन इज रिप्रेजेंट बाय द पेल आर्कटिक रीजन एंड द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट बाय द मलयन रीलम। हाउ मेनी बायोम्स? सो इन इंडिया देर आर फाइव बायोम्स प्रेजेंट, ट्रॉपिकल हुमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट एंड एल्पाइन मिड्यू। दीज आर फाइव बायोम्स आर फाउंड इन द इंडिया। सो नाउ द बायोजियोग्राफिक रीजन इन इंडिया, तो इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं? 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स एंड दीज आर गिवन बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 2009। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूट इंडिया डिवाइडेड इंटू 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ 10 बायोजियोग्राफिक रीजन। द फर्स्ट वन इज द ट्रांस हिमालय, द हिमालय, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, द डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन, कोस्टल रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड आइलैंड्स। दीज आर 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स आर प्रेजेंट इन द इंडिया एंड दिस इज द परसेंट जियोग्राफिक एरिया कवर्ड बाय द ईच बायोजियोग्राफिक रीजन। सो इस वीडियो को पॉज करके आप वन बाय वन सब बायोजियोग्राफिक रीजन्स को आप चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि इंडिया में जो फॉरेस्ट का है क्या स्टेटस है। सो बेसिकली यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी काफी यूज में ली जाती है, एक होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर होता है एक और एक होता है ट्री कवर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो ट्री कवर होता है वो ये होता है कि जितने भी ट्रीज हैं, चाहे वो फॉरेस्ट में हो चाहे फॉरेस्ट के बाहर हो, जो जितना लैंड एरिया कवर करते हैं उसको हम ट्री कवर बोलते हैं। सपोज करो यहाँ एक 1 हेक्टर फॉरेस्ट है तो वो 1 हेक्टर का एरिया हो गया। उसके बाद में स्केटर्ड ट्रीज हैं, इंडिविजुअल ट्रीज हैं, वो कितना एरिया कवर करते हैं, सो दैट इज द ट्री कवर। अब फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर ही वो होता है जो पर्टिकुलरली पर्टिकुलर एरिया है लैंड का जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के द्वारा कवर्ड है। और उसके लिए मिनिमम दो कंडीशन है कि जो ट्री कैनोपी की डेंसिटी है, ट्री कैनोपी डेंसिटी है, दैट शुड बी मोर देन 10% और जो मिनिमम एरिया है दैट शुड बी मोर देन 1 हेक्टर। इन दैट केस ओनली दे काउंट एज फॉरेस्ट कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर मतलब कि मिनिमम जो फॉरेस्ट कैनोपी की जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए और वो डेंसिटी का एरिया है वो एटलीस्ट मिनिमम 1 हेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, उसी को हम ट्री कवर में कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर जो जिनकी कैनोपी डेंसिटी है 10% से ज्यादा है और एरिया 1 हेक्टर से ज्यादा है, फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो कितना है? लगभग इंडिया के जियोग्राफिक रीजन का कितना है? 21.71% है वो कवर करता है। ये सब डेटा है जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के डेटा है। ठीक है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको हर 2 साल से रिलीज किया जाता है। अगर हम ट्री कवर की बात करते हैं तो ट्री कवर इंडिया में कितना है? 2.91% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। हमेशा जब भी फॉरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको अच्छे से पढ़ के फिर ही आपको उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो टोटल कितना एरिया हो गया फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिला के? 2.21.71 प्लस 2.91 इज इक्वल टू 24.6% एरिया इज कवर्ड बाय द ट्रीज। ओके,
अगर हम इंडिया में टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कितने मेजर टाइप्स कितने हैं? 16 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उनको सब क्लासिफाई किया गया है, कितने 251 सब टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। कितने 16 टाइप के मेजर फॉरेस्ट हैं। डेंसिटी के बेसिस पे फॉरेस्ट कवर को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस और ओपन फॉरेस्ट में। और एक चौथी कैटेगरी होती है स्क्रब, जो कि बेसिकली डेंस कैनोपी कवर क्लासेज में नहीं आता है, जिसमें दे आर नॉट काउंटेड इन द फॉरेस्ट कवर, ये काउंटेड सेपरेटली, जो स्कैटर्ड प्लांट होते हैं पर्टिकुलरली और स्क्रब टाइप के प्लांट होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम केनोपी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस वो फॉरेस्ट होते हैं जिनकी ट्री केनोपी डेंसिटी हो 70% या उससे ज्यादा होती है, दैट आर क्लासिफाइड इनटू वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट हैं वो आते हैं रेंजिंग फ्रॉम 40 to 70% डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी। ओपन फॉरेस्ट है, इनकी कंट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% होती है, 10% से ज्यादा और 40% से कम होती है। जो स्क्रब होते हैं उनकी है वो डेंसिटी less than 10% होती है। नॉन फॉरेस्ट लैंड दैट नॉट इंक्लूडेड इन टू द फॉरेस्ट क्लासेज, जैसे वाटर बॉडीज होती हैं, दैट आर नॉन फॉरेस्ट एरियाज। सो दीज आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन, फॉरेस्ट कवर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैनोपी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना ट्री कवर है, ये दिया गया। तो आप वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को देख सकते हो कि वेरी डेंस फॉरेस्ट इंडिया में कितना है, मॉडरेट फॉरेस्ट कितना है और ओपन फॉरेस्ट का कितना परसेंट एरिया, जियोग्राफिक एरिया कवर्ड है, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, स्क्रब का कितना है परसेंट शेयर है टोटल जियोग्राफिकल एरिया में, ये एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दिया हुआ है परसेंट शेयर है, नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है और टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है। तो यह सब डेटा है, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मेजर फॉरेस्ट टाइप इंडिया में कितने हैं। 16 टाइप के फॉरेस्ट एरिया हैं, तो वो कौन कौन से ग्रुप में हैं? जैसे मैन अगर मेजर ग्रुप है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है, मेजर ग्रुप में सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फोर्थ कैटेगरी है सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। तो इनके अंदर फिर डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन, मोइस्ट डेसिड्यूअस, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, ड्राई डेसिड्यूअस, थोन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल में आता है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ लिव्ड हिल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट में माउंटेन वेस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन में सब एल्पाइन फॉरेस्ट, मोस्ट एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। तो ये कितनी है? ये 16 कैटेगरी है और मेजर ग्रुप कितने हैं? 4। ये इनका इंडिविजुअल फॉरेस्ट का कितना एरिया है वो दिया गया है और परसेंट शेयर कितना। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन एक ये बनता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये जो ड्राई डेसिड्यूस टाइप के फॉरेस्ट हैं इनका एरिया इंडिया में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में किसका है? मोइस्ट डेसिड्यूस का, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा था किस टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से? ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट। अब हम जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है, ये डेटा दिए गए हैं कि फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में कितना है। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाले, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, याद रखना फॉरेस्ट कवर की अगर बात करते हैं तो एमपी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद में फॉलोड बाय द अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र है। तो ये टॉप 5 स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है इंडिया में। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं तो उनमें हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किस में है सबसे ज्यादा, विथ रेस्पेक्ट टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से पढ़ना, आपको एक तो पूछा जाता है कि टोटल फॉरेस्ट कवर, एक पूछा जाता है कि टोटल फॉरेस्ट कवर विथ रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल एरिया। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के लेते हैं, एक है एमपी और एक है
मिजोरम, ठीक है। एमपी का सपोज करो एरिया 100 हेक्टेयर है, 100 हेक्टेयर में से कितने में है, 30 हेक्टेयर में फॉरेस्ट है, तो ठीक है। मिजोरम का एरिया कितना है, सपोज करो 20 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर में से कितने में फॉरेस्ट है, 10 हेक्टेयर में। तो देखो यहाँ पे कितने में है, 30% एरिया में फॉरेस्ट है एमपी में, और यहाँ पे कितने हैं, 20 में से 10 पे है, तो 50% है। तो अगर जियोग्राफिक एरिया पे के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर मिजोरम में है, और अगर टोटल फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो मैक्सिमम किस में है, एमपी में है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो फॉरेस्ट कवर ये कर रहे हैं हम बात नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, तो फॉरेस्ट जियोग्राफिक एरिया के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा मिजोरम में, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। जो स्टेट हों जिनमें पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है, उनमें है आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका एंड झारखंड में। और वो स्टेट जिनमें 2019 के कंपैरिजन में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा, वह है अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में। अब हम बात करते हैं ट्री कवर के बारे में। तो इंडिया में जो ट्री कवर है कितना है, 95,748 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ट्री कवर पाया जाता है। सो 2019 के कंपेयर में अगर 21 में हम देखते हैं तो कितना ट्री कवर में इंक्रीज हो गया, 721 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर में इंक्रीज हो गया। सो मैक्सिमम ट्री कवर किस में पाया जाता है, महाराष्ट्र, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। ये ट्री कवर की बात है। और ट्री कवर वो उनके जियोग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में किस में है, चंडीगढ़ में, उसके बाद में दिल्ली, केरला एंड गोवा में। स्टेट वाइज एस्टिमेट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ये आजकल नया टर्म है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF शॉर्ट में लिखा जाता है। तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट किस में है, महाराष्ट्र में, उसके बाद में उड़ीसा और उसके बाद में कर्नाटका। तो ये एटलीस्ट 3 या 4 शुरू किया उनका ऑर्डर आपको याद रखना है। और मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जियोग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो लक्षद्वीप, केरला एंड गोवा में है। काफी डेटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। अब हम मैनग्रोव के स्टेटस की बात करते हैं कि इंडिया में जो मैनग्रोव का एरिया हो टोटल जियोग्राफिकल एरिया के कंपेरिजन में कितना है, 0.15%। इंडिया का जो एरिया वो 328 मिलियन हेक्टर है, तो इसका 0.5% आप निकाल सकते हो तो मिलियन हेक्टर में आ जाएगा। आप स्क्वायर किलोमीटर में अगर इंडिया का एरिया आपको पता तो उसका 0.15% आप निकाल लो तो लगभग इतना ही आएगा। तो ये मैनग्रोव का एरिया है वो स्क्वायर किलोमीटर में दिया गया है। और मैक्सिमम एरिया कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, वेस्ट बंगाल में है, और उसके बाद में किस में है, गुजरात में है। अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ बैम्बू, बांस का क्या स्टेटस है। तो इंडिया के सब पार्ट में, सब स्टेट में अब बैम्बू पाया जाता है, किसी एक स्टेट को छोड़ के, कश्मीर को छोड़ के, कश्मीर में बैम्बू नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट है, इंडिया में, इंडिया इज ए होम ऑफ 125 इंडिजिनस एंड 11 एग्जोटिक स्पीसीज ऑफ बैम्बू। तो 125 है वो इंडिजिनस स्पीसीज पाई जाती हैं और 11 एग्जोटिक स्पीसीज ऑफ बैम्बू की इंडिया में पाई जाती है, जो लगभग 23 जेनेरा से में इंक्लूडेड है, से रिलेटेड है। बैम्बू बियरिंग इंडिया एरिया कितना है, इंडिया का 15 मिलियन हेक्टर, इसको आप परसेंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, 328 मिलियन हेक्टर से कि कितना होता है। कंपेयर टू 2019, मैं 19 को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पिछली रिपोर्ट है वो 2009 में रिलीज हुई, हर 2 साल से रिलीज होती है, तो उसके कंपेयर में इंडिया में है वो बैम्बू एरिया डिक्रीज हो गया, कितना, 1.02 मिलियन हेक्टर। तो मैक्सिमम बैम्बू एरिया कौन से स्टेट में है, मिजोरम में, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में। स्टेट हैविंग द मिनिमम बैम्बू एरिया, सबसे मिनिमम किस में है, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में महाराष्ट्र में। मैक्सिमम ऑक्यूरेंस ऑफ प्योर बम्बो, प्योर बम्बो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। अब हम बात करते हैं सिटी वाइज, अगर सिटी वाइज आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट कवर कौन सी सिटी में कहाँ पे मैक्सिमम पाया जाता है, तो एक कुछ सिटीज है इंडिया की जो मेन मेन मेट्रो सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। तो
ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो 2011 के डेटा है, और ये ब्राउन कलर है वो 2021 के डेटा है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो। देखो इसमें माइनस मतलब कि जो फॉरेस्ट कवर है वो पिछले 10 साल में इतना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। तो एक क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हुआ है अहमदाबाद में, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे 147 किस में हुआ, हैदराबाद में। ठीक है, आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, तीन या चार सिटी का ऑर्डर बताओ जिनमें इंक्रीज हुआ है या जिनमें डिक्रीज हुआ है। तो इन जो भी 6-7 सिटीज है उनमें अहमदाबाद में डिक्रीज हुआ, बाकी अहमदाबाद और बेंगलुरु में डिक्रीज हुआ, बाकी सब सिटीज में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम गेम हैदराबाद में हुआ है, उसके बाद में किस में हुआ है, दिल्ली में। अहमदाबाद एंड बेंगलुरु हैविंग लॉस्ट फॉरेस्ट कवर, तो ये दो सिटीज में फॉरेस्ट कवर में लॉसेस हुए हैं। अब हम ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, 4.06 बिलियन हेक्टर। ठीक है, सो जो ग्लोबल टोटल लैंड एरिया है उसका 31% पार्ट पे कितने हैं बेम्बू पाए जाते हैं। अगर हम पर पर्सन कितना बेम्बू फॉरेस्ट एरिया आएगा तो कैलकुलेट करते हैं, तो ग्लोबली 0.52 हेक्टर पर पर्सन है वो बम्बू एरिया, फॉरेस्ट एरिया, सॉरी बम्बू नहीं, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पर पर्सन आएगा अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डोमेन्स हैज लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, सो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे मैक्सिमम 45% फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं, उसके बाद में बोरियल रीजन में टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। सो मोर देन हाफ ऑलमोस्ट 54% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट है ओनली 5 कंट्रीज में है। कहाँ कहाँ पे, रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस एंड चाइना, इन 5 कंट्रीज में मोर देन 50% वर्ल्ड के फॉरेस्ट रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी कि सबसे ज्यादा वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, रशिया में, रशिया के बाद में ब्राजील, उसके बाद में कनाडा, यूएस, अमेरिका, चाइना, और बाकी 46% है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अगर हम कंट्री वाइज देखते हैं तो टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया इज लोकेटेड एज 10th पोजिशन। ओके, सो वहां पे वर्ल्ड का है लगभग 2% फॉरेस्ट एरिया प्रेजेंट इन द इंडिया। ओके, और हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें वर्ल्ड का 66% फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। इस फॉरेस्ट एरिया में ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों इंक्लूडेड है तभी 24.3 है। ठीक है, याद रखना इसको। तो सबसे ज्यादा हाइएस्ट किसमें, रशिया, देन आफ्टर ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू एंड इंडिया। सो अगर हम रीजन वाइज हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो जो ट्रॉपिकल एरिया में है, ट्रॉपिकल एरिया में 45% फॉरेस्ट है। जो बोरियल रीजन है, ये जो ट्रॉपिकल के बाद का जो रीजन है, यहाँ पे 27% है। उसके बाद में जो टेम्परेट रीजन है उसमें 16% फॉरेस्ट एरिया है, और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है उनमें कितना है, 11%। तो ये टोटल एरिया वाइज या क्लाइमेट वाइज है वो फॉरेस्ट एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मैनग्रोव का जो वर्ल्ड वाइड स्टेटस क्या है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओवर द ग्लोब अगर हम बात करते हैं तो 113 कंट्रीज में वो फॉरेस्ट कवर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो जिनका एरिया लगभग कितना है, 14.79 मिलियन हेक्टेयर। अगर हम लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया की बात करते हैं कॉन्टिनेंट वाइज, तो सबसे ज्यादा एशिया में है, फॉलोड बाई अफ्रीका, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओशिनिया हैज रिपोर्टेड द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रोव, जो ओशिनिया एरिया है उसमें सबसे कम मैनग्रोव का एरिया पाया जाता है। मोर देन 40% ऑफ टोटल मैनग्रोव वाज रिपोर्टेड इन जस्ट 4 कंट्रीज, इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया एंड मेक्सिको। इन 4 कंट्रीज में लगभग 40% मैनग्रोव, वर्ल्ड के 40% मैनग्रोव पाए जाते हैं। अगर हम पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात करते हैं तो कौन सी कंट्री में, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में। अब इंडिया में हम ब्यूरोज की बात करते हैं तो नेशनल ब्यूरो है वो इंडिया में कितने हैं, 6 हैं, जो अलग अलग जीनेटिक रिसोर्सेज को
के साथ डील करती हैं, जैसे प्लांट के रिसोर्सेज हुए, जेनेटिक एनिमल्स की बात कर लो, इंसेक्ट की बात कर लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, फिश की बात कर लो, सोइल की बात कर लो, तो जो प्लांट से रिलेटेड हैं डीलिंग करता है, दैट इज द नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR न्यू दिल्ली। कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। सेकेंड जो एनिमल के जेनेटिक से रिलेटेड है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। उसके बाद में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म NBAIM मऊ यूपी में लोकेटेड है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट इंसेक्ट NBAII बेंगलुरु कर्नाटक में लोकेटेड है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR लखनऊ यूपी में लोकेटेड है, और नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो ये 6 ब्यूरो हैं जो अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज के साथ डीलिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।